वेलकम टू अवर चैनल व्यूवर्स इन द बायोलॉजी 9th क्लास. आज हम चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज प्लांट्स टिश्यू. हाउ कैन वी डिफाइन टिश्यूज व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स कंबाइन टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, वी कॉल देम टिश्यूज. ये टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, देन ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, एंड फाइनली हमारे पास एक कम्प्लीट प्लांट आता है. नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज की. देयर आर मेन टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज. नंबर वन सिंपल टिश्यूज एंड नंबर टू कंपाउंड टिश्यूज. सिंपल टिश्यूज द नेम रिप्रेजेंट, दे आर कंपोज ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स. एक ही टाइप ऑफ सेल से मिलकर ये सिंपल टिश्यूज बने होते हैं. कंपाउंड टिश्यूज आर कंपोज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन. कंपाउंड टिश्यूज द नेम रिप्रेजेंट, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. दैट्स वाई वी कॉल देम कंपाउंड टिश्यूज. टाइप्स ऑफ सिंपल टिश्यूज. सिंपल टिश्यूज को फर्दर टू टाइप्स में मजीद डिवाइड किया गया है. नंबर वन मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में एंड नंबर टू परमानेंट टिश्यूज. दोनों में डिफरेंस क्या है? मेरिस्टमेटिक टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स दैट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड एंड परमानेंट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स विच डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डिवाइड. राइट, सिंपल टिश्यूज की इन दोनों टाइप्स में डिफरेंस ये है कि मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में वो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, और परमानेंट टिश्यूज में वो टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो डिवाइड नहीं कर सकते, बल्कि वो परमानेंट टिश्यूज होते हैं. मेरिस्टमेटिक टिश्यूज में जो सेल्स हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, उनके अंदर लार्ज साइज के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ मेरिस्टमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टमेटिक टिश्यूज वी सेड दे आर मेड अप ऑफ डिवाइडिंग सेल्स. तो इनको फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है. नंबर वन एपिकल मेरिस्टेम्स एंड नंबर टू लेटरल मेरिस्टेम्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टाइप्स ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल्स? लेट्स सी. एपिकल मेरिस्टेम्स आर लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स वेयर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. एपिकल मेरिस्टेम सेल्स रूट और शूट्स की टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर ये डिवाइड होकर इन रूट्स और शूट्स की लेंथ को इंक्रीज करते हैं और इस तरह प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में ये हेल्प करते हैं. लेटरल मेरिस्टेम्स नेम रिप्रेजेंट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेटरल ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स, जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स भी बोलते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ दिस एपिकल मेरिस्टमेटिक सेल्स विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. यहाँ शूट की टिप पर जो आपको ये डिवाइडिंग सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द एपिकल मेरिस्टमेटिक सेल्स. तो इन सेल्स के डिवाइड होने से मजीद नए सेल्स यहाँ ऐड होते चले जाते हैं, जिससे अपवर्ड शूट की लेंथ इंक्रीज करती है. एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ अ रूट. यहाँ रूट की टिप्स पर एपिकल मेरिस्टमेटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे जैसे सेल्स डिवाइड होते चले जाते हैं तो डाउनवर्ड रूट की लेंथ इंक्रीज करती चली जाती है. तो इस तरह शूट्स और रूट्स में इनकी लेंथ को इंक्रीज करने में ये एपिकल मेरिस्टमेटिक सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं. लेट्स सी द टाइप्स ऑफ लेटरल मेरिस्टेम. लेटरल मेरिस्टमेटिक सेल्स प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं. दे आर फर्दर ऑफ थ्री टाइप्स. नंबर वन वेस्कुलर कैम्बियम, नंबर टू कॉर कैम्बियम एंड नंबर थ्री इंटरकैलरी मेरिस्टेम. वेस्कुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज. कॉर कैम्बियम इज प्रेजेंट इन द आउटर लेटरल साइड ऑफ प्लांट्स. लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम. इट्स अ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टेम. सो वेस्कुलर कैम्बियम जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं, वाइल कॉर कैम्बियम प्लांट की आउटर लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है. लुक एट दिस वन, ब्लू लाइन इज शोइंग कॉर कैम्बियम एंड हेयर दिस रेडिश लाइन इज शोइंग द वेस्कुलर कैम्बियम. सो जब ये लेटरल मेरिस्टमेटिक सेल्स डिवाइड करते चले जाते हैं और आउटर साइड पे सेल्स को एड करके प्लांट की लेटरल ग्रोथ में और सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जिससे प्लांट की स्टेम की विड्थ में इजाफा होता है. Then there are the intercalary meristem. Intercalary meristem patches की form में mature tissues में present होते हैं, specially ये grasses में present होते हैं. और herbivores जो ऐसे जानवर जो grasses को खाते हैं, तो खाने के बाद जो removing parts होते हैं उन grasses के, उसको regenerate करने में ये intercalary meristematic cells help करते हैं. Next are the types of permanent tissues. Permanent tissues non-dividing cells के बने होते हैं. Once they form, their cells never divide. There are three types of permanent tissues: epidermal tissues, ground tissues, and sporting tissues. Epidermal tissues, they are composed of single layer of cells and cover the plant body. Epidermal tissues single layer of cells के बने होते हैं और उनका काम plant body को cover करना होता है. इसके अलावा जो functions perform करते हैं
नंबर वन दे एक्ट एज बैरियर. बैरियर है मीन्स कि वो प्लांट की इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट रखते हैं. नंबर टू रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. रूट्स में ये एपिडर्मल टिश्यूज भी सिंगल लेयर बनाते हैं, दैट्स वाई वहां से मिनरल्स और वाटर की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. दे सिक्रेट क्यूटिन ऑन लीव्स एंड स्टेम टू प्रिवेंट वेपोरेशन. रूट्स में ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, जबकि लीव्स और स्टेम में ये एक लेयर सिक्रीट करते हैं, क्यूटिन लेयर सिक्रीट करते हैं, जो कि एक वैक्सी लेयर होती है, और ये लीव्स और स्टेम से अवेपोरेशन को प्रिवेंट करके प्लांट में से वाटर लॉस होने से बचाती है. नंबर फोर इज द एपिडर्मल टिश्यूज ऑल्सो हैव सम स्पेशलाइज सेल्स लाइक रूट हेयर्स एंड स्टोमेटा. एपिडर्मल टिश्यूज लीव्स में स्टोमेटा बनाते हैं, जो कि गैशियस एक्सचेंज के लिए इंपॉर्टेंट है. इसके अलावा रूट्स में रूट हेयर्स में भी मॉडिफाइड होते हैं, जहाँ एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं. नेक्स्ट इज द सेकेंड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज. दे आर सिंपल स्फेरिकल शेप टिश्यूज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल्स. ग्राउंड टिश्यूज स्फेरिकल शेप होते हैं, सिंपल होते हैं, एंड दे आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यूज. यहाँ इस डायग्राम में आपको जो ये राउंड शेप और स्फेरिकल शेप सर्कल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द ग्राउंड टिश्यूज. लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ दीज ग्राउंड टिश्यूज. नंबर वन दे हैव लार्ज वेक्यूल्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड. नंबर टू दे हैव द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द लीव्स एंड रेस्पायरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. बिकॉज इनका फंक्शन स्टोरेज होता है, स्पेशली द स्टोरेज ऑफ फूड, तो बड़े बड़े साइज के फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें फूड्स को स्टोर किया जाता है. इसके अलावा इन सेल का दूसरा फंक्शन लीव्स में फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करवाना होता है, और दूसरे प्लांट्स के पार्ट्स में रेस्पिरेशन. द लास्ट फंक्शन इज ड्यूरिंग रिपेयरिंग एंड इंजरी पैरेन्काइमा सेल्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू अदर टाइप ऑफ सेल्स. अगर किसी वक्त पे प्लांट को किसी इंजरी को फेस करना पड़ जाए या वहाँ पे रिपेयरिंग का काम हो, तो ये पैरेन्काइमा सेल्स डिवाइड होकर दूसरी टाइप के सेल्स में डिफरेंशिएट होके उस पार्ट की रिपेयरिंग कर सकते हैं. द थर्ड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज आर द स्पोर्टिंग टिश्यूज. स्पोर्टिंग टिश्यूज द नेम रिप्रेजेंट, दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट्स. स्पोर्टिंग टिश्यूज का मेन फंक्शन प्लांट्स के बहुत सारे पार्ट्स को सपोर्ट करना होता है और उनको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना होता है. देर आर फर्दर टू टाइप्स ऑफ स्पोर्टिंग टिश्यूज. नंबर वन कोलेनकाइमा टिश्यूज एंड नंबर टू स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज. लेट्स सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. कोलेनकाइमा टिश्यूज दे आर फाउंड इन कॉर्टेक्स ऑफ स्टेम, मिडरिब ऑफ लीव्स एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स. दे आर फ्लेक्सीबल विद एलोंगेटेड सेल विद थिकेंड प्राइमरी सेल वॉल्स. लुक एट दिस डायग्राम ऑफ कोलेनकाइमा सेल्स. दे आर मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल और विद थिक प्राइमरी वॉल्स. बिकॉज इनका काम प्लांट को सपोर्ट करना होता है, दैट्स वाई दे हैव द थिक प्राइमरी वॉल्स. सो दे आर प्रेजेंट इन द स्टेम, फ्लावर की पेटल्स में प्रेजेंट होते हैं, और लीव्स की मिडरिब में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ ये उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी का काम भी करते हैं. वट आर द फंक्शंस? देयर फंक्शन इज टू सपोर्ट द ऑर्गन्स इन विच दे आर फाउंड. जिस भी ऑर्गन में वो प्रेजेंट होते हैं, लाइक लीव में, स्टेम में और फ्लावर्स की पेटल्स में, ये उसको सपोर्ट करते हैं. द सेकेंड टाइप ऑफ सपोर्टिव टिश्यूज आर द स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज. दे आर कम्पोज ऑफ सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल्स. सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ लिग्निन विच इज मेन कम्पोनेंट ऑफ द सेल वॉल. मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर डेड. स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज ऐसे सेल से बने होते हैं जिनमें रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि लिग्निन से बनी होती है. लिग्निन इन सेल्स की सेल वॉल को रिजिड और हार्ड बनाती है. जिस वक्त पे ये मेच्योर हो जाते हैं सेल्स, देन दी सेल्स आर डेड. लेट्स सी द सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज विच आर द कंपाउंड टिश्यूज. इससे पहले अब तक हमने देखी सिंपल टिश्यूज और उसकी टाइप्स, जिसमें हमने देखा कि सिंपल टिश्यूज सिंगल टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं. अब देखते हैं कंपाउंड टिश्यूज को, जिसमें हमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स मिलेंगे. देर आर टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड टिश्यूज. नंबर वन जाइलम टिश्यूज एंड नंबर टू फ्लोएम टिश्यूज. जाइलम टिश्यूज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिसॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट. इट्स अ डायग्राम ऑफ जाइलम वेसल, जो कि जाइलम टिश्यूज से बनी होती है. तो इन जाइलम टिश्यूज का यहाँ क्या फंक्शन होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड डिजोल्व सब्सटेंसेस. तो रूट से ये वाटर को और डिजोल्व सब्सटेंसेस को एब्जॉर्ब करके अपवर्ड ट्रांसपोर्ट करते हैं और मूव करते हैं टूवर्ड्स द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, लाइक टूवर्ड्स द स्टेम एंड टूवर्ड्स द लीव्स. टाइप्स ऑफ सेल्स इन जाइलम टिश्यूज. जाइलम टिश्यूज आर मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स. नंबर वन वेसल एलिमेंट्स एंड नंबर टू ट्रैकीड्स.
Vessel elements have secondary walls, lag end walls, and joined together to form long tubes. Just have a look on this diagram of vessel element. It's looking like a long tube. Vessel elements mein cells mein end walls absent hoti hain. Uski jagah par yahan pits present hoti hain. Aur is tarah ye cell combine karke ek long tube ko form karte hain. Tracheids. Tracheids are slender cells with overlapping ends. Tracheids जो कि सेकेंड टाइप ऑफ सेल है जाइलम वेसल्स के अंदर, ये सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, राइट, और दे आर ओवरलैपिंग. द सेकेंड टाइप ऑफ कंपाउंड टिश्यूज आर द फ्लोएम टिश्यूज. दीज टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी. साइलम टिश्यूज का फंक्शन रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके प्लांट के एरियल पार्ट्स तक लेकर जाना होता है, जबकि फ्लोएम टिश्यूज का फंक्शन क्या होता है के प्लांट के वो पोर्शन जहाँ फूड तैयार होता है लाइक लीव्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फूड प्रिपेयर होता है उसे ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक कंडक्ट करना या ट्रांसफर करना. टाइप्स ऑफ सेल्स. फ्लोएम टिश्यूज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ टू टाइप ऑफ सेल्स. नंबर वन सीव ट्यूब सेल्स एंड नंबर टू कंपेनियन सेल्स. सीव ट्यूब सेल्स आर लॉन्ग सेल्स विद सीव प्लेट्स. मैनी सीव ट्यूब सेल्स ज्वाइन टू फॉर्म लॉन्ग सीव ट्यूब्स. Companion cells, they make the proteins for sieve tube cells. It's a diagram of sieve tube. Is sieve tube ke end par yahan sieve plates present hoti hain. Like a stainer, in sieve plates ke andar holes present hote hain, jo ke organic material ke flow ko aur uske conduction ko control karte hain. Then in ye sieve tubes cells combine karke long tubes form karte hain. Then in tubes ke center mein कुछ कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन ये होता है कि ये इन ट्यूब्स सीव ट्यूब सेल्स के लिए प्रोटीन को प्रोवाइड करते हैं. इफ यू लुक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ दीज सीव ट्यूब सेल्स, दीज आर द सीव प्लेट्स, दीज आर द कंपेनियन सेल्स एंड दीज आर द सीव ट्यूब्स. और यहाँ कुछ पैरेन्काइमा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनका फंक्शन स्टोरेज होता है. Let's recall the types of plant tissues with the help of this flowchart. We said there are main two types of plant tissues, simple tissues and compound tissues. Simple tissues जो के one type of cells के बने होते हैं और compound tissues जो more than one type of cells के बने होते हैं. Simple tissues में further two types present होती है, meristematic tissues and permanent tissues. Meristematic tissues जिनमें डिवाइडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं और परमानेंट टिश्यूज जिनमें नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं. मेरिस्टमेटिक टिश्यूज को फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम. एपिकल मेरिस्टेम जो के शूट्स और रूट्स की टिप्स पे प्रेजेंट होते हैं और प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं. और लेटरल मेरिस्टेमेट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करते हैं और उसकी विड्थ को बढ़ाने में रोल प्ले करते हैं. देन लेटरल मेरिस्टेम टू टाइप्स की है, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम. देन सिंपल टिश्यूज की जो सेकेंड टाइप है परमानेंट टिश्यूज, उसको फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एपिडर्मल टिश्यूज जो कि प्लांट की आउटर कवरिंग बनाते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. देन स्पोर्टिंग टिश्यूज जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और उसके डिफरेंट पार्ट्स को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं. एंड ग्राउंड टिश्यूज जिनका काम फूड का स्टोरेज करना होता है. देन स्पोर्टिंग टिश्यूज की भी फर्दर टू टाइप्स हैं, कोलेनकाइमा टिश्यूज एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज. देन सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज कंपाउंड टिश्यूज को टू मेन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जाइलम टिश्यूज एंड फ्लोएम टिश्यूज. जाइलम टिश्यूज भी टू टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं और फ्लोएम टिश्यूज भी टू टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं. जाइलम टिश्यूज में वेसल एलिमेंट्स और ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि फ्लोएम टिश्यूज में सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. होप सो यू हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस प्लांट टिश्यूज विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लो चार्ट. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ. थैंक यू.